जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं उनको मेरा सलाम। iOS में जो फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग उस फीचर्स को अपने एंड्रॉइड में एक्टिवेट कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। तो अगर आप लोग iOS लवर हो और अपने iOS के फीचर्स को एंड्रॉइड में यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को लाइक शेयर करके और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, मैं उस फीचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमें WhatsApp में देखने को मिला है, WhatsApp में जो नेविगेशन बारे में देखने को मिलने वाला है, जो मैं अपने फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ, आप लोगों के फ़ोन में जल्दी देखने को मिलने वाला है। और अगर आप लोग अभी कभी अपने फ़ोन में उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो नेविगेशन बार हमें नीचे देखने को मिल जाता है, जिस तरह से हमें iOS के फ़ोन में नेविगेशन बार नीचे देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फ़ोन को यूज़ करना, मतलब WhatsApp को यूज़ करना काफ़ी हैंडी यहाँ पर हो जाता है। तो WhatsApp जो है टेस्ट कर रहा है न्यू UI को अपने बीटा वर्सन में, एंड्रॉइड का जो बीटा वर्सन उसमें टेस्ट कर रहा है। बीटा चैट, कम्युनिटी स्टेटस, कॉल्स, व्हाट्सअप आपको नीचे शिफ्ट हो जाता है बीटा वर्सन में। तो ये सारे फीचर आपको बीटा में देखने को मिलते हैं और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मैं अपने बीटा वर्सन में यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और देख सकते हैं आपको चैट, कम्युनिटी स्टेटस, कॉल वगैरह सब नीचे देखने को मिलता है। तो काफ़ी दोस्तों ये हैंडी फीचर मुझे देखने को लगा है। इस तरह दोस्तों और भी फीचर हमें व्हाट्सअप में देखने को मिला है। व्हाट्सअप आजकल काफ़ी सारे टेस्टिंग कर रहा है और टेस्टिंग करने के बाद काफ़ी सारे फीचर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, बीटा के लिए यूज़ किया है, पब्लिक के लिए यहाँ पे रोल आउट कर चुका है। तो उन सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग प्ले लिस्ट डाल दूँगा व्हाट्सअप का, वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि क्या क्या फीचर हमें देखने को मिला है। पर फाइनली अगर आप लोग अपने फ़ोन में इस iOS नेविगेशन बार को अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, न्यू UI को यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, जो व्हाट्सअप की जो फीचर हमें इसकी जो बॉटम नेविगेशन बार हमें देखने को मिलता है वो सारे फीचर्स आप लोग अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, अपने व्हाट्सअप में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लोग उसके लिए बीटा ज्वाइन करना होगा। तो बीटा कैसे ज्वाइन करना है, आप लोग मेरी वीडियो को चेकआउट करके बीटा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है किस तरह से आप लोग बीटा को ज्वाइन कर सकते हैं। और बीटा ज्वाइन करने के बाद आप लोग भी सारे फीचर्स को टेस्ट कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल यूज़र हैं तो वो फीचर आपको एक डेढ़ महीना दो महीने के बाद मिलेगा, पर जो लोग बीटा यूज़र हैं उनको सेम डे, एक दिन दो दिन या मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 5 दिन में वो फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर जो फीचर के बारे में बताया वो आप लोग को iOS बॉटम नेविगेशन बार देखने को मिल जाता है, जो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को ये UI पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा है डिसलाइक कर दिए, पर आप लोग बताइए कमेंट में क्यों आप लोग डिसलाइक कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करिएगा तो मुझे मालूम चलेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। और जो लोग WhatsApp यूज़ करते हैं उन तक ये वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी अपने फ़ोन में WhatsApp के सारे फीचर्स को, अर्ली फीचर्स को, अर्ली एक्सेस को यहाँ पर यूज़ कर पाए। अगर वो लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं अपने फ़ोन में बीटा को टेस्ट नहीं करना चाहते हैं, एटलीस्ट फीचर्स के बारे में तो उनको मालूम चल जाए कौन से फीचर उनके फ़ोन में आने वाला है। मिलते हैं दोस्तों इस तरह के और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।